हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा शर्मा, लेक्चरर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पटना. इन माय लास्ट वीडियो आई ब्रीफ्ड अबाउट व्हाट इज ग्रुप एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड. ये ना सिर्फ आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट हाउ वेल यू आर इन ग्रुप, how good a team member you are is also one of the most desirable qualities that the employers in today's generation seek out in you. Is video mein I will tell you how a group is formed. Humne itni baat ki group ke bare mein, let's discuss about ki group actual mein banta kaise hai aur group mein kaam karna isi wajah se itna aasan nahi hota hai. Now you all must be thinking ki what is such a hype about group. Since the individual eccentricities are a very important factor, a very important determining factor in the stages of formation of group, इसीलिए group में काम करना इतना आसान नहीं होता है. आप देखेंगे कि कई लोग individual achievements उनकी बहुत होती हैं और individually वो काफी अच्छा perform करते हैं, but when it comes to them working in a group with cooperation and making the group cohesive, sometimes they falter. So in this video let's talk about how group is formed. Basically group ke formation ke kuch stages hote hain, jisme se ki sabse pehla stage hota hai wo hota hai forming. फॉर्मेशन से ये वर्ड बना है, फॉर्मिंग. एज द नेम सजेस्ट्स, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि फॉर्मेशन स्टेज में क्या होगा, फॉर्मिंग स्टेज में क्या होगा. न्यू मेंबर्स आएंगे, वो सारे न्यू मेंबर्स जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस बैकग्राउंड से आते हों. मे बी दोज मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम अ हेट्रोजेनियस बैकग्राउंड, मे बी दोज मेंबर्स हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट, have worked in different projects which probably might not be interrelated. When these people are put in groups, what happens? There is a great sense of uncertainty in this stage of group formation. Bahut uncertain hote hain group ke members is stage pe. Uncertain ke sense mein, uncertain yani unme bahut confusion hai, kafi chaotic hai abhi group ka structure, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी वेल डिफाइंड नहीं है. लोगों ने अपने आप को फुली एक ग्रुप का मेंबर की तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है. उनको ये पता नहीं है कि कितने मेंबर होने हैं, उनको ये पता नहीं है कि किसी ग्रुप का, आई मीन जिस ग्रुप में उनको डाला गया है उस ग्रुप का गोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंडिविजुअल लीडरशिप क्या है. यहां तक कि वो इस बात को लेकर के भी श्योर नहीं होते हैं कि ग्रुप में व्हाट इज द एक्सेप्टेड बिहेवियर, यानी उनका कौन सा बिहेवियर ग्रुप के लिए अच्छा है और कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है. सो इन टोटैलिटी इफ वी से देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, केओस इन दिस स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन विच इज फॉर्मिंग. जो दूसरा स्टेज आता है वो होता है स्टॉर्मिंग. स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आंधी तूफान. स्टॉर्म का मतलब थोड़ा उठा पटक होना, थोड़ा सा रगड़ा होना. सो दिस इज एग्जैक्टली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बाय विच दिस स्टेज इज मार्क्ड. स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि इस स्टेज में, फॉर्मिंग स्टेज को क्रॉस करके जब लोग आते हैं इस स्टेज तक, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को ग्रुप का मेंबर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक इस स्टेज तक ये डिसाइडेड नहीं है कि लीडर कौन होगा, यानी व्हाट विल बी द एक्सेप्टेड लीडर एंड हिज स्टाइल इन द ग्रुप. इसके अलावा किस तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगी, किस तरीके से स्टॉर्मिंग स्टेज में किसी के इंडिविजुअलिटी पे कॉन्स्ट्रेंट डाला जाएगा,
अगेन आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन कि जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में या अपने तौर तरीकों को ऊपर नहीं रख सकते हैं. यू हैव टू बी इन कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, द जनरल नॉर्म विच इज एक्सेप्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रुप. एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई स्टॉर्मिंग स्टेज इज बोथ अ काइंड ऑफ यू नो देर इज अ काइंड ऑफ रकस इन दिस स्टेज एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. Because only after you have crossed and survived this stage that the group moves on to the next stage, which is the norming stage. ठीक है? So storming stage का मतलब होता है कि individuality पे constraint होना या leadership की बात होना. सबसे ज्यादा ruckus इसमें authority और control के बारे में होती है कि कौन किस चीजों का authority रखेगा, किसको authority है, क्या ये एक्सेप्टेड है पूरे ग्रुप मेंबर्स को, और किस तरीके से कंट्रोल फीचर ऑर्गेनाइज या एक्सरसाइज हो रहा है ग्रुप में. आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेज सॉरी आफ्टर फॉर्मिंग स्टेज एंड नॉर्मिंग स्टेज स्टॉर्मिंग स्टेज वी देन कम टू द नॉर्मिंग स्टेज. नॉर्म्स से ये वर्ड नॉर्मिंग बना है, यानी पहला फॉर्मिंग, दूसरा स्टॉर्मिंग और तीसरा नॉर्मिंग. नॉर्म्स में क्या होता है कि ग्रुप का एक नॉर्म्स होता है, एक तरीका होता है फंक्शन करने का, कोई बात कहने का, कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होती है, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल हायरार्की सेटअप होती है. तो ये सब मिला जुला के बनाता है कि किसी ग्रुप का नॉर्म्स क्या है. और पीछे के दोनों स्टेज को क्रॉस करके आने के बाद इंडिविजुअल्स इस नॉर्मिंग स्टेज में एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. जब वो एक्सेप्ट करेंगे इट्स ओनली आफ्टर देन दैट द ग्रुप गेट्स एन अ ग्रुप आइडेंटिटी. तब जाकर के इस ग्रुप को एक ग्रुप की आइडेंटिटी मिलती है, ग्रुप में थोड़ा कोऑपरेशन बढ़ता है, ग्रुप में एक कोहेसिवनेस की भावना आती है, यानी ग्रुप को और ज्यादा यूनाइटेड करने की बात होती है. आफ्टर दिस नॉर्मिंग स्टेज वी मूव ऑन टू द परफॉर्मिंग स्टेज. परफॉर्मिंग स्टेज का मतलब कि अब ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप को उस ग्रुप का मेंबर भी एक्सेप्ट कर लिया है, सारा स्टॉर्मिंग वाला फेज भी क्रॉस कर लिया है जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है लीडरशिप, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, अथॉरिटी क्या होगी, कंट्रोल क्या होगा. दे काइंड ऑफ हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट विद द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअलिटी विच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन देम. और उन्होंने ग्रुप का मेंबर होने के लिए जो नॉर्म्स हैं उसको भी एक्सेप्ट कर ली है. तो ग्रुप का एक स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज हो रहा है, ग्रुप में कोहेसिवनेस बढ़ रही है. और परफॉर्मिंग स्टेज में फाइनली ग्रुप परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, यानी ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के का साथ निभा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसीलिए ग्रुप फाइनली अपने गोल के तरफ अपने स्टेप्स बढ़ा रही है और वो काम कर रही है. ओके, सो दिस इज द परफॉर्मिंग स्टेज. कई जगह पे आपको यहीं तक ग्रुप का फॉर्मेशन मिलेगा. देखिए, जो ग्रुप्स परमानेंट होती हैं वो उन ग्रुप्स का काम यहीं तक होता है, यानी पहले के तीनों स्टेज और फिर फाइनल ग्रुप. लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में कई ग्रुप्स इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक टास्क या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है, किसी इम्पॉर्टेंट या किसी वैसे काम के लिए जिसके लिए कोई स्थायी चीज नहीं है. ओके, उस प्रोजेक्ट में डालने के लिए ग्रुप में 7 मेंबर, 8 मेंबर या 10 मेंबर्स को बनाया जाता है. तो जब उस ग्रुप का टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसका फंक्शन पूरा हो जाता है, तब उस ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है. इसी को कहते हैं एडजर्निंग स्टेज. एडजर्निंग स्टेज द वेयर द ग्रुप इज डिसॉल्व. अब एडजर्निंग स्टेज में क्या होता है, मेंबर्स ने टास्क अकम्प्लिश कर लिया है, अब वो अलग अलग हो रहे हैं. ठीक है, तो दिस स्टेज इज मार्क्ड समटाइम्स बाय पीपल बीइंग वेरी हैप्पी दैट दे हैव सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड द टास्क. हाउएवर समटाइम्स पीपल आर नॉट दैट हैप्पी बिकॉज
they are probably dissociating with each other. There will be eventual loss of communication among the group members, which has worked so hard and so cohesively to successfully accomplish the task. So is स्टेज का ये मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया है कि ग्रुप कैसे बनता है। एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप वॉज इन स्पेशल रिगार्ड्स टू द फॉर्मल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द फर्स्ट स्टेज वॉज फॉर्मिंग स्टेज, द सेकेंड स्टेज वॉज स्टॉर्मिंग स्टेज, द थर्ड स्टेज वॉज नॉर्मिंग स्टेज, द फोर्थ स्टेज वॉज परफॉर्मिंग स्टेज। In the groups which dissolve, you have an adjourning stage, and otherwise the performing stage is the group, is the final completion of the formation of group. Thank you so much.